यह है महाराणा प्रताप स्मारक, जो कि अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नीचे हमारे पास एक्चुअली एक्सेस नहीं है अभी बिल्डिंग में, बिकॉज इट्स टू अर्ली फॉर अस। सो आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप विद ऑल हिज शिवलरी एंड यू नो ऑन हिज हॉर्स, और आप पीछे देख सकते हैं एक आई लव अजमेर का भी उन्होंने बनाया। एंड दिस इज ब्यूटिफुल अरावली हिल्स, एंड आप देख सकते हैं अभी भी ऊपर पूरा चांद बाकी है। सो हमारे पीछे है, एक्चुअली हमारे सामने है द ब्यूटिफुल सिटी अजमेर। सो ये सूरज है, अजमेर की लेक्स हैं। सो बहुत ही खूबसूरत सनराइज है रही अरावली में, देख सकते हैं यहाँ पे पीछे गाड़ी चल रही है, जैसे रोड है पहाड़ पीछे नीचे यहाँ पे एक नौसर माता जी का मंदिर भी है। बिल्कुल सुबह सुबह बेचारा यहाँ पे आके अपनी आई थिंक पूजा करके गया होगा, तो धूप पत्ती छोड़ गया अपनी। सो वेरी ब्यूटीफुल, यू नो जैसे सैन फ्रांसिस्को के हिल के ऊपर खड़े होकर फोटो खींचते हैं वैसी बात है, मेरे को लग रहा है उससे कम नहीं है कुछ, उससे ज्यादा ही होगा वीरता के हिसाब से अगर देखें, जितना वीरभूमि से कुर्बानियां हुई हैं आई डाउट कि इतना महान कोई दूसरा सूबा है। इनका इतिहास है पूरा कुर्बानियों का, वीरता का, और अपने देश के लिए इन्होंने जाने दिए हैं, तभी तो राजस्थान राइफल्स का आज भी समय हो गया वसुंधरा, जो ब्रेव होंगे वही इस वसुंधरा का मतलब धरती माता, वही धरती माता के सरदार होंगे, वही धरती माता को उन्हें हेल्प करेंगे, भूल जाएंगे। सो गॉड ब्यूटीफुल, हम छोटे छोटे वीडियोस डाल देंगे क्योंकि बीच बीच में नेटवर्क हमारा उड़ जाता है, वी जस्ट लाइक स्टैंडिंग ऑन अ स्मॉल हेलो बिल्कुल सनराइज। मेरे को तो पता नहीं था कि अजमेर इतना ब्यूटीफुल भी है। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर इन अजमेर डू डेफिनेटली स्टॉप बाय पुष्कर, यू नो ये नेशनल हाईवे 8 जो दिल्ली से बॉम्बे जाता है उसको जल्दी लोकल करेंगे सारे किसान, मेरे को पता है, क्योंकि भैया अंबानी जी के घर पे जल्दी दस्तक देनी होगी सबको। सो रस्ते में आप सब लोग पुष्कर देखते हैं ना भैया, क्या दिक्कत है हमारे देश का, इतना बढ़िया संस्कृति है। सो जय